आज हम लिए कितने बनाने जा रहे हैं? 50 पोटैटो। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 5 अदद मैंने लिए हैं आलू जो मैंने बॉईल करके छीलने हैं, 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है जो मैंने बड़ी बड़ी चॉप कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑनियन लिया है चॉप किया हुआ, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च ली है चॉप की हुई, और मैंने 1 टीस्पून लिया है मैदा, 1 टीस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और मैंने 4 टीस्पून लिए हैं ब्रेड क्रम्स के, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरा बारीक धनिया, और उसमें डालेंगे शिमला मिर्च जो हमने बड़ी भी चॉप की हुई है, इसे हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैदा, उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब या 2 टीस्पून के करीब ऑनियन चॉप किया हुआ, और इसी तरह हमने डाली है बड़ी चिली वो भी चॉप की हुई है, और उसके बाद हम सारे इसमें मसाले ऐड कर देंगे, और हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। अब हमारा जो मिक्सचर रेडी है, अब हम इसको डोनट की शेप देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसे कटलेस की शेप देंगे। डोनट की शेप देने के लिए सबसे पहले हम इसे कटलेस की शेप देंगे। जब हम इसे कटलेस की शेप दे देंगे, उसके बाद इसे साइडों से भी अच्छी तरह से एक जैसे कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे डोनट की शक्ल दे देंगे। ये देखें, अब हमारा डोनट बिल्कुल रेडी है, और इसे अब हम इसे एग में डिप करेंगे, और इसे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। डोनट हमारी रेडी है। अब हमें कोटिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो है, 2 अदद मैंने एग लिए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है, और मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम इसके सबसे पहले एग में डिप करेंगे, और उसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अंडे में हमने अच्छी तरह से इसे डिप करना है, और उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स लगा के कोटिंग कर देंगे इसकी। इसके बाद हमें इसे फ्राई कर देंगे। डोनट्स को हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिया है, और अंडे में हम इसे डिप कर लिया है। अब ये हम फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और हमने इसको मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएंगे, हम इसे फ्राई चेंज कर देंगे। एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह ब्राउन करेंगे। ये हमारे क्रिस्पी पोटैटो डोनट तैयार हैं। इसे जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे की और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये मान लाइक।